नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला न्यायालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय में एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सनत कुमार कश्यप एवं जिले के कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा सहित समस्त माननीय न्यायाधीश गण और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में मां सरस्वती के सैल चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित करते हुए नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा, योग मामले, मोटर व्हीकल एक्ट एवं बैंक नगर पालिका वसूली मामलों की सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं कुटुंब न्यायालय से संबंधित पति पत्नी पक्षकारों ने माननीय न्यायाधीश महोदय की मौजूदगी में एक दूसरे को माल्यार्पण करते हुए राजीनामा से विवाद मामले को खत्म किया एवं नेशनल लोक अदालत में आए हुए पक्षकारों से मुलाकात की गई एवं माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया गया। वहीं आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह एवं राजीनामा से किया गया, जहां पक्षकारों ने अपने प्रकरणों का निपटारा हो जाने से खुशी जाहिर करते हुए माननीय न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वही आयोजित नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम के दौरान माननीय न्यायाधीशों सहित समस्त अधिवक्तागण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारियों सहित पत्रकारगण उपस्थित रहे। सुमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। लाल बन पाएगा ग्राम चूला रहने वाला हूँ। हम दोनों पति पत्नी के बीच विवादित होने के कारण हम एक दूसरे से कुछ दिन के लिए दूर दूर रहे। फिर हमको लोक अदालत में यहाँ पेश किया गया तो हम दोनों पति पत्नी आकर यहाँ हम दोनों राजीनामा हो गए और हमको यहाँ जज साहब कलू वकीलों को हम धन्यवाद देते हैं। जो समाधान और समस्याओं का समाधान जो है सामंजस्य से और समझौते से निपटता है वो चिर स्थायी रहता है, उसमें कोई बात की बात शेष नहीं रह जाता है, न किसी के मन में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से मद्देनजर जो है दो तीन बिखरे हुए परिवारों को विजय साहब के मार्गदर्शन में जो है मेल मिलाप कराया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम आम जनता से और पत्रकारों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का विवाद हो कोशिश करें कि समझौते के माध्यम से इसका निराकरण हो ताकि प्रेम और मित्रवत भाव बना रहे। धन्यवाद। 11 दिसंबर 2021 को बृहद लोक अदालत जो है ये राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में आज संचालित है। हमारे उमरिया जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का जो है आयोजन हुआ, इसमें हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश की के जो है सहयोग से यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण भी आज निपट रहे हैं और निपट गए हैं। यहाँ तक कि इतने पुराने प्रकरण थे, कुछ घरेलू ऐसे विवाद थे कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे, जिसमें हमारे माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश के सहयोग से पक्षों के बीच में मध्यस्थता तुरंत करके और उन्हें माला पहनवा करके दोनों परिवार को पुनः इकट्ठा कर दिए और एकत्र होकर के हंसी खुशी दोनों परिवार आज यहाँ न्यायालय से गया है। तो हमारा कहना है कि बृहद लोक अदालत जो आज लगी हुई है इससे लोगों को फायदा मिल रहा है और ऐसा विवाद निपट रहा है, किसी कोई अपील नहीं होती है और लोगों का अपना पैसा और समय बचता है। इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि बहुत सराहनीय काम है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऐसा किया जा रहा है और इससे आगामी आने वाले समय में भी लोगों को बहुत सारा फायदा। लोक अदालत है ये दो पक्षकारों के बीच बहुत एक खुशी की सौगात लेकर आता है। समझौता वाले जो प्रकरण हैं, जैसे चेक बाउंस का केस है, श्रम का केस है, पारिवारिक विवाद के केस हैं, माइनर आईपीसी के केसेज हैं, इस तरह के जो कंपाउंडेबल केसेज हैं राजीनामा के आधार पे, लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन दोनों, बैंक की वसूली है, नगर पालिका की है, बिजली ऑफिस की है, ये सारे आज मामला सेटल्ड होते हैं। और ये जो थीम है सरकार की, एक तरीके से बेसहारों का सहारा कह लीजिए कि और त्वरित और सस्ता न्याय और सुलभ, त्वरित सस्ता न्याय सुलभ कराने का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का। और आज भी लाखों जो है रुपयों की वसूली हुई और आपसी समझौता हुआ, वहाँ कई मामले निपटे हैं। टोटल जो इंक्लूड करेंगे शाम को तो कल टोटल रिजल्ट परफेक्ट बताया जा सकता है कि कितने प्रकरण निपटे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइड के अनुसार साल में एक बार नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है
जिसमें कई प्रकार के मामले, जैसे विद्युत विभाग का मामला है, फॉरेस्ट का है, नगर पालिका का है, राजस्व का है, और कुछ न्यायिक मामले भी होते हैं, कुटुंब न्यायालय के भी मामले होते हैं, कुछ आपराधिक मामले होते हैं। और जैसा कि आज डीजे साहब के यहाँ कुछ कुटुंब न्यायालय के मामले थे, जिनमें दोनों को समझाइश करके, पति पत्नी को समझाया जाकर कि इनका घर न बिछड़ने पाए, और उन्होंने न्याय की बात को माना और दोनों राजीनामा करके आज हंसी खुशी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अपने अपने घर को जाने को तैयार हो गए हैं। तो ये पहल जो न्यायालय द्वारा की गई है बहुत सराहनीय है और इससे लोगों का फायदा ही हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में हमारे उमरिया जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अर्थात चेक बाउंस के प्रकरण, MACT अर्थात मोटर दुर्घटना दावा अधिग्रहण के प्रकरण एवं दीवानी प्रकरण जो राजीनामा योग्य हैं, सब विचार में लिए गए। इसमें काफी संख्या में पक्षकार हुए और फैमिली कोर्ट द्वारा निर्णित की जाने वाली पारिवारिक मामलों का भी अच्छा निराकरण हुआ और कई जोड़े पति पत्नी साथ में यहाँ से अपने घर के लिए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए रवाना हुए।